नगरी में बसपा का वाल्मीकि दांव, भाजपा के गढ़ में बसपा का जातीय चक्रव्यूह, हाथी पर सवार लता का निकाय युद्ध। 1989 से आगरा नगर निगम पर काबिज भाजपा के लिए 2023 का रन आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि बसपा ने इस बार आगरा में वाल्मीकि वाला सियासी तीर छोड़ा है। बीएसपी ने आगरा से मेयर पद पर वाल्मीकि समाज से आने वाली डॉक्टर लता वाल्मीकि को मैदान में उतारा है। उसके पीछे पार्टी की रणनीति है कि परंपरागत जाटव समाज के वोट के साथ ही वाल्मीकि समाज को अपने पाले में लाया जा सके, जिसकी संख्या आगरा में 1 लाख से ज्यादा है, और इसी के सहारे बसपा भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने वाली है। शासन भी दे रही हो कि जैसे मैं जीत के आऊंगी, फिर सबका काम नहीं छूटा पड़ा, वो पूरा नाली है, रुकी हुई कचरे से भरी हुई है, और सीवर भी ले और खंबे लगे हुए, मगर लाइट नहीं लगी, उसकी सब लोग शिकायत कर रहे थे। मैं अभी सुन के भी आ रही हूँ, उसका भी समाधान। लता वाल्मीकि ने आगरा के विकास को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि 34 साल से लगातार बीजेपी का शहर पर कब्जा है, लेकिन शहर कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। स्मार्ट बनाने की पूरी कोशिश करूंगी, और आप सभी देख रहे हैं सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, और सभी जनता बहुत पानी के लिए तो थरथराई मचाई हुई है, पानी की पीने की सुविधा नहीं है, उसकी भी व्यवस्था करूंगी, और सभी समाज के साथ सबसे ज्यादा वाल्मीकि समाज भी परेशान है, मैं उसको भी अनुशासन दे रही हूँ। जहाँ 6,000 कर्मचारी काम करते थे, 3,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। वहीं बसपा से मिल रही चुनौती पर भाजपा की मेयर उम्मीदवार ने कहा कि भाजपा जातिगत आंकड़ों को लेकर चुनाव नहीं लड़ती, बीजेपी सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ती है। जानते हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो कभी जातिगत आंकड़ों को लेकर चुनाव नहीं लड़ता। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ, ऐसी विचारधारा के साथ हमेशा आगे बढ़ती है। अभी आपने कहा कि बीएसपी और सपा से भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है, मुझे आज तक 25 तारीख है, आज तक की डेट में ऐसा कोई प्रत्याशी या कोई दल ऐसा सामने भाजपा के सामने नजर नहीं आता। बीएसपी सोशल इंजीनियरिंग के पुराने फॉर्मूले को दोहरा रही है, इसलिए वाल्मीकि प्रत्याशी उतार कर बीजेपी के लिए चुनावी राहों में कांटे बिछा दिए हैं। बसपा ने हमेशा जाटव समाज के व्यक्ति को वोट किया, और जैसे 2012 के अगर हम जिक्र करें तो जब इंद्रजीत आर्य भाजपा से जीते थे, उस समय मैच 15,000 के लगभग मार्जिन रहा होगा। करतार सिंह भारतीय उस समय चुनाव लड़े थे जाटव समाज से बसपा से, तो ये अंतर व्यत कम था। और इस बार शायद मुझे लगता है कि जो सोशल इंजीनियरिंग जिसके लिए मायावती जानी जाती है, उन्होंने उसी प्रयास को अपने को दोहराने की कोशिश की है, और जिनका जो समीकरण है काफ़ी मजबूत माना जा रहा है। उन्होंने वाल्मीकि समाज की लता वाल्मीकि को टिकट दे करके कहीं ना कहीं भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में बसपा ने लता वाल्मीकि को मैदान में उतार कर भाजपा के खिलाफ मजबूत जातिगत चक्रव्यूह रचा है, जिसने आगरा नगर निगम के मुकाबले को और अधिक रोचक बना दिया। बीजेपी जिसके लिए आगरा नगर निगम का जो चुनाव एक तरफा रहता हुआ आया है, इस बार सोशल इंजीनियरिंग के सहारे बीएसपी बीजेपी को पटखनी देने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये सारी बातें नतीजे में क्या तब्दील हो पाएंगी या केवल इक्वेशन बनकर ही रह जाएंगी, इस बात पर मोहर आगरा की जनता लगाएगी।